हाँ दोस्तों, बहुत लोग यूरोप जाए, काम करे, सेटल हो जाए, अच्छा खासे इधर पे लाइफ लीड करे बोल के बहुत लोगों को रहता है। लेकिन आज आपको मैं एक इजीएस्ट वे बताने वाला हूँ यूरोप जाने के लिए। अभी जो कंट्री का वैकेंसी निकल गया यह कि रोमानिया है। रोमानिया आप सभी को मालूम है, रिसेंटली शेंगेन में ये एंटर हो चुका है, तो इधर पे जॉब वैकेंसीज भी बहुत ज़्यादा है। आप आराम से इधर पे जॉब भी हासिल कर सकते हैं और शेंगेन वीज़ा भी ले सकते हैं। आपको कैसा अप्लाई करना, जॉब्स के लिए क्या क्या जॉब्स है क्या नहीं वो बताएगा। इधर पे आएंगे कैशियर्स होगा, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स होगा, क्लर्क होगा, व्हाइट कॉलर जॉब होगा, डेटा एंट्री होगा, और ऐसे कि इंजीनियर्स होगा, डॉक्टर्स होगा, एडवोकेट होगा, और एयरक्राफ्ट होगा, और सिविल इंजीनियर होगा, आईटी फील्ड का होगा। बहुत सारे वैकेंसीज है ये वेबसाइट में। ये आके वेबसाइट रोमानिया का लीगल वेबसाइट है। इधर पे बहुत लोग जॉब सर्च करते, बहुत लोग यही वेबसाइट से जॉब हासिल करके जाके रोमानिया काम कर रहे हैं। और ये जॉब्स कैसा ढूंढना है, कैसा हासिल करना है, मैं अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ लेके आके आपको समझाएगा। वो तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं इस जॉबों के लिए। और मेनली ये जॉब जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका अपडेट सीवी रहना बहुत जरूरत है, और यूरोपा सीवी रहना चाहिए, कवर लेटर चाहिए। दोनों के बिना आप कुछ भी जॉब अप्लाई किया तो वेस्ट है, क्योंकि तो यूरोपा सीवी नहीं है तो देखते भी नहीं है, और कवर लेटर भी मस्टर्ड शूट चाहिए। तो यूरोपा सीवी एंड कवर लेटर दोनों अपने पास बनवा के रखिए। उसके बाद जो मैं वेबसाइट डालता रहता हूँ, वो वेबसाइट में आप लीगल से डाल के जॉब वैकेंसीज आप हासिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो बनाना नहीं आता यूरोपा सीवी, तो टेंशन नकल लीजिए, आपका भाई बैठा है आपको मदद करने के लिए। 1000 रुपीज़ में आपको सीवी एंड कवर लेटर बनवा के दे देगा, क्योंकि तो मेरे को भी स्टाफ है, मेरे को भी देना पड़ता है। स्टाफ के देख के मैं बनवाता रहता हूँ सीवी एंड कवर लेटर। इसके लिए आप 1000 रुपीज़ डालेंगे, स्क्रीनशॉट भेजेंगे, तो 2 दिन के अंदर आपको सीवी एंड कवर लेटर आपके व्हाट्सएप पे पहुँच जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखे आके आपको समझाएगा, और फर्दर डिटेल्स हम बाद में बात करेंगे। हाँ दोस्तों, आपको सिंपल से गूगल ओपन कर लेना है। गूगल में जाके आपको टाइप करना पड़ेगा ADECCO.RO। ये टाइप करने के बाद आपको इंटरफेस ओपन हो जाएगा, और ये जो लिंक ओपन हो रहा है ना, उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देगा। जाके आपको डायरेक्ट लिंक क्लिक करके आपको डिलीट कर लेते हैं। रोमानिया रोमान में रहता, हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेंगे। आप इस दो तरीके से इस जॉब एप्लीकेशन डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत पुरानी वेबसाइट है, जो लीगल वेबसाइट है, जो रोमानिया में आप जॉब करना चाहते हैं तो थ्रू ये वेबसाइट के थ्रू आप अपना सीवी एंड जॉब सर्च कर सकते हैं। और इधर पे आप सिंपली कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपको इधर पे स्क्रॉल अप करने के बाद अपलोड योर सीवी, अपलोड योर सीवी के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आके आपको चेंज कर ले तो ट्रांसलेट इन इंग्लिश, और अपलोड और सीवी के देने के बाद फिर एक और एक वक्त देना पड़ेगा अपलोड योर सीवी। उसके बाद इंटरफेस ओपन हो जाएगा। थोड़ा नेट स्लो, ठीक है, देखो अभी आ गया है। अब जॉब डिस्क्रिप्शन देख सकते, थैंक यू आर इंटरेस्टेड फॉर रोल ऑफ रजिस्टर इन योर कैंडिडेट डेटाबेस। और जो भी और डिवाइस में है ना, सीवी होगा तो इसमें अपलोड कर सकते हो, गूगल ड्राइव में तो डाल सकते हैं, नहीं ड्रॉप बॉक्स में तो आप इसमें डाल सकते हैं अपना सीवी। ठीक है, ये एक तरीका होगा, मैंने आपको बता दिया है। और दूसरा तरीका मैं आपको बताएगा, आप 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद इधर पे देख सकते हैं जॉब्स बोल के, उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। आपके पास इंटरफेस ऐसा ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे वैकेंसीज है, बहुत सारे जॉब्स है। ऐसा करके नहीं कि हेल्पर का ही बोल के, सिक्योरिटी का है, आईटी फील्ड का है, सॉफ्टवेयर डेवलपर का है, और आर्किटेक्चर का है, और डॉक्टर्स का है, ऑफिस बॉय है, क्लीनर्स है, हेल्पर्स है, वेटर्स है, वेयर हाउस हेल्पर्स है, और जो भी सी कैटेगरी होगा, ए कैटेगरी होगा, बी कैटेगरी, सब तरीके की जॉब्स इधर पर अपलोड करके है। आप इधर पे ध्यान देने की बात एक ही है कि ये रोमानिया कंट्री आके अब शेंगेन में आ चुका है, तो अभी बेस्ट तरीका है हम रोमानिया कंट्री कम खर्चे में जाके उधर पे शेंगेन वीज़ा आपको लग जाएगा, तो आप
अदर कंट्रीज में मूव हो सकते हैं। दूसरे शेनिगन वीजे में जाएंगे तो बहुत सारा खर्चा, बहुत सारा प्रोसेस रहता है, लेकिन रोमानिया के लिए अभी कम खर्चा कम प्रोसेस है, क्योंकि तो अभी अभी ये शेनिगन में एंटर हो चुका है। इसके लिए ये छोटा सा टिप्स है आप सभी के लिए, जो कोई भी यूरोप जाना चाहते तो शेनिगन वीज़ा चाहते और रोमानिया में ट्राई कीजिए। और देख सकते हैं आप सेल्स अकाउंटेंट, सेल्स मैनेजर और ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव, इंटीरियर डिजाइनर, बहुत सारे जॉब वैकेंसीज है इधर पे। ये वेबसाइट में बहुत सारे जॉब्स है, तमिल में आप देखा होगा वेटर के लिए, तो वेटर और हेल्प वेटर के लिए भी वैकेंसीज है, एक एक ढूंढते जाना पड़ेगा, बहुत सारे वैकेंसीज है इसमें। और रैंडमली मैं आपको बता देगा वो तरीके से अप्लाई कर सकते हो, कौन सा भी जॉब होगा। ठीक है, क्लिक कीजिए कैशियर जॉब के ऊपर, ट्रांसलेट इन इंग्लिश कर ले, तो उसके बाद आके आप देख सकते हैं और कैशियर का काम क्या रहता है और इसके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहते हैं, कब तक काम करना पड़ेगा, कैसा करना पड़ेगा, क्या है क्या नहीं, सब कुछ ये लोगों ने डिटेल से मेंशन करके रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड क्लाइंट डिस्क्रिप्शन बोल के वो पूरे पढ़ने के बाद आपको अप्लाई नाउ क्लिक करना पड़ेगा। अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास और एक दूसरा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं इधर पे आप पूरा समझ सकते हैं, जो भी आप जॉब एप्लीकेशन मैटर रखा ये है, ये आके आपका लॉकर नंबर है, जॉब नंबर है और इधर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उधर पे दिखाया था एज इट इज़ है, पूरे देखने के बाद आपको अब इधर पे थोड़ा ध्यान से अप्लाई करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा ध्यान से अप्लाई करना पड़ेगा। और इधर पे सबमिट योर CV जो योर ड्राइव में है, यानी गूगल ड्राइव में है, ड्रॉप बॉक्स में है या मैनुअली, ये चारों तरीके से आप अपना एप्लीकेशन उधर पे डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो फर्स्ट टू मैंने बताया था पेज इंटरफेस में, उधर एक डालिए और दूसरा आके ये फर्स्ट पेज आके आपको ये ऑटोमेटिकली आपको जो भी जॉब एप्लीकेशन इधर पे वो ऑटोमेटिकली सेंसर करके आपका CV उधर पे डाल देगा। नहीं है तो आप मैनुअली करना चाहते, एक एक जॉब अप्लाई करना चाहते तो ऐसे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको मैंने समझा दिया कैसे अप्लाई करना है, क्या है बोल के जॉब। और तमिल में मैंने डाला था वेटर के लिए, तो वेटर का जॉब मैंने नहीं दिखाया क्योंकि तो बहुत सारे जॉब वैकेंसी थे, एक एक देखता जाएगा और अप्लाई करता जाएगा तो ब्लॉग लंबा हो जाएगा, आप भी नहीं देख पाएंगे। जैसे तरीके से मैंने कैशियर का जॉब अप्लाई किया है वैसे तरीके से आप कैशियर के लिए, जैसे मैंने कैशियर के जॉब एप्लीकेशन डाला है वैसे ही तरीके से आप कौन सा भी जॉब होगा वो एप्लीकेशन डाल सकते हैं, क्लर्क के लिए और डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, हेल्पर के लिए, वेयरहाउस के लिए और वेटर के लिए और बार अटेंडर के लिए, हाउसकीपिंग के लिए और IT के लिए और इंजीनियर के लिए, सब कुछ आप सेम तरीके से एप्लीकेशन डाल सकते हैं जॉब्स के लिए। ठीक है, और मैंने नहीं दिखाया है तमिल में वेटर के लिए डाला था, लेकिन इधर पे कैशियर के लिए आपको मैंने बता दिया था, सेम टू सेम है एप्लीकेशन डालना, क्योंकि तो एक एक ढूंढता जाएगा तो ब्लॉग लंबा हो जाएगा, मेरे को लंबा करके आपको एक्साइटमेंट डालना उतना पसंद नहीं है, इसके लिए मैं रैंडमली एक बता दिया, वो तरीके से आप दूसरे जॉब में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये तरीका है जॉब एप्लीकेशन करने के लिए रोमानिया के लिए। रोमानिया आपको शेंगेन वीजा है तो आराम से आप अप्लाई कर सकते हैं, आराम से आप जॉब हासिल कर सकते हैं रोमानिया में, एंड आल्सो 6 महीने के बाद आपको शेंगेन लग जाएगा। शेंगेन लगने के बाद कोई भी अदर कंट्री मूव ऑन हो सकते हैं आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, और TRB इधर पे आराम से मिल जाएगा आपको, और मिलने के बाद आप फैमिली से सेटल हो सकते हैं उधर पे। जो कोई इंटेंशन है यूरोप में सेटल होने का तो ईजिएस्ट वे है, बेस्ट वे है, और जॉब एप्लीकेशन डाल के यूरोप में अपनी फैमिली को लेके जा सकते हैं, उधर पे रह सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, ऐसे ही मोर वीडियोस डालता रहता हूँ जॉब्स रिलेटेड, देखिए समझिए उसके बाद अप्लाई कीजिए और अपना फ्यूचर ब्राइट कीजिए। मोर डिटेल्स आपको जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करके जाके चेकआउट कर सकते हैं, जो जॉब का लिंक है ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के जाके क्लिक कीजिए, डायरेक्ट एप्लीकेशन में जाएंगे, अपना CV अपलोड कर दीजिए। जॉब एप्लीकेशन आप दो तरीके से डाल सकते हैं, वेबसाइट स्टार्टिंग में अपलोड द CV, आफ्टर यू सर्च अ जॉब एंड आल्सो यू सबमिट योर CV। ठीक है, ये दोनों तरीके से आप जॉब एप्लीकेशन डाल सकते हैं। आज के ब्लॉग में इतना ही है, जो भी क्वेश्चन है जो भी डाउट है कमेंट कर सकते हैं, फेसबुक पे इंस्टा पे एक मैसेज मार सकते हैं, आपके मैसेज का बहुत जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करेगा, आपके डाउट और बहुत जल्दी उधर पे रिप्लाई करने की कोशिश करेगा। आज के ब्लॉग में इतना ही, ख्याल रखिए अपना भी इस चैनल का भी।